दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है एसएससी सीएचएसएल का 2 जुलाई 2019 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं, गोबर गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए, गोबर गैस के प्रमुख घटक हैं मीथेन, जिसे बोलते हैं CH4। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का परिवर्तित नाम क्या है? तो एल्यूमिनियम का परिवर्तित नाम है गोलियम। ऊर्जा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा ये जूल की इकाई है। अटल एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? तो अटल एक्सप्रेस का पुराना नाम था बुंदेल एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो वुड फॉसिल पार्क ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रमुख कौन है? तो योजना आयोग के प्रमुख है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। यदि ये पूछा जाए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में हुआ था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर डैम ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आप लोगों को मध्य प्रदेश के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है, जैसे कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ। मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। चलिए गांधी सागर डैम के बारे में जान लेते हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में नीमच के पास मंदसौर जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नीमच के पास मंदसौर जिले में। ये प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। चंबल नदी पर बने हुए इस भव्य बांध की नींव का पत्थर 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय होने के साथ ही गांधी सागर बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 वर्ल्ड फीफा किसने जीता? तो अंडर 17 वर्ल्ड फीफा ये इंग्लैंड ने जीता था। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 का आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया गया। इसका नाम था खेलियो, ये आपको पता होना जरूरी। इसका नाम जो था खेलियो। उल्लेखनीय है कि यह विश्व कप इस साल अक्टूबर में भारत की मेजबानी में खेला जाएगा। खेलियो एक मलिन और चित्तीदार तेंदुआ है। यह मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इस प्रजाति के तेंदुओं की कुल संख्या 10,000 से भी कम है। यह खेल के प्रति जोश, दक्षता, शक्ति और विशिष्टता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार किसने हासिल किया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार सिमोनी क्रूट ने हासिल किया। विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना दिवस 16 अक्टूबर के सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। इसकी राजधानी क्या है झारखंड की? तो झारखंड की राजधानी है रांची। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वाकई में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है? वियोटेक्स जो रंग होता है सबसे ज्यादा विचलित होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। ये हड्डी कान में पाई जाती है। कान में तीन हड्डियां हैं जैसे कि मेलियस, इनकस, स्टेपीज। और स्टेपीज सिर्फ कान की ही नहीं बल्कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत और लंबी हड्डी फीमर होती है। आपको ये भी पता होना जरूरी है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह जांघ की हड्डी है। यदि जांघ की इस हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो यह जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकता है। अगर फ्रैक्चर हुई हड्डी का छोटा सा हिस्सा पास की खून की नली में लग जाए तो यह काफी ज्यादा खून बहा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो शराब का जो पीएच वैल्यू होता है 3.4 -3.8। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन पैनक्रीज में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, पेटीएम का संस्थापक कौन है? तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। यदि पूछा जाए कि पेटीएम के सीईओ कौन है तो पेटीएम के सीईओ हैं रेणु सती। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका उद्घाटन 2010 में किया गया। 197 कम्युनिकेशन इसका मालिक है जो शुरू में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज पर आकर्षित किया करती थी। कंपनी का मुख्यालय नोएडा भारत में। ये धीरे धीरे बिजली के बिल, गैस बिल, साथ ही साथ विभिन्न पोर्टलों की रिचार्जिंग और बिल भुगतान प्रदान करती है। पेटीएम ने 2012 में भारत के ई कॉमर्स बाजार में प्रवेश किया। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील के कारोबार की तरह सुविधाएं और उत्पादों को उपलब्ध कराने लगी। 2015 में इसने बस यात्रा टिकट बुकिंग को जोड़ा। अगला क्वेश्चन, मॉरिशियम की राजधानी क्या है? तो मॉरिशियम की राजधानी है पोर्ट लुइस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉरिशियम की राजधानी सॉरी प्रधानमंत्री कौन है? तो मॉरिशियम के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ। इसकी मुद्रा क्या है? तो मॉरिशियम की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 25 नवंबर 1510 ईस्वी को किया था। गोवा या गोवा कोकड़ी गोए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारों और मशहूर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन, आई ड्रॉ व्हाट आई ड्रॉ के लेखक कौन है? तो आई ड्रॉ व्हाट आई ड्रॉ के लेखक हैं रघुराम राजन। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंजाब नेशनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। यदि पूछा जाए कि पंजाब नेशनल के सीईओ कौन है तो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ सुनील मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हार्मोन जिसकी वजह से सूर्य की ओर झुकते हैं? तो प्लांट हार्मोन जिसकी वजह से सूर्य की ओर झुकते हुए हैं ऑक्सिन। आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो आंख का कॉर्निया जो हिस्सा होता है ये दान किया जाता है। सबसे शहर शुद्ध शहर साफ कौन सा है? सबसे साफ शहर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है? तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं विन्नी बंसल और सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो आपको पता होना जरूरी है कि फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पता होना जरूरी है। तो इसकी स्थापना 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और विन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। मूलतः पुस्तकों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए बनी यह वेबसाइट अब अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं खरीदने का विकल्प भी देती है। फ्लिपकार्ट पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर और सुपुर्दगी पर नगद अदायगी कैश ऑन डिलीवरी के जरिए भुगतान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया।
केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जो जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। अगला क्वेश्चन था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के लेखक हैं संजय बारोट। अगला क्वेश्चन था, बायोगैस कौन सी होती? तो बायोगैस मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन था, भारत डांस कहाँ का लोक नृत्य है? तो भारत डांस ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन था, मोदी फिल्म के डायरेक्टर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोदी फिल्म के डायरेक्टर है उमंग यादव। पीएम नरेंद्र मोदी, अनिरुद्ध चावला, विवेक ओबराय और उमंग कुमार द्वारा लिखित 2019 भारतीय हिंदी भाषा जीवनी संबंधित फिल्म है। इसे सुरेश ओबराय, संदीप सिंह और आनंद पंडित द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया था। फिल्म में विवेक ओबराय, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की सूची में है। 14वां भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विवेक ओबराय मुख्य भूमिका में है, जिसे फिल्म के सह लेखक के रूप में भी जाना जाता है। फिल्म का पहला लुक 7 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, 2020 से 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए, वर्ल्ड कप 30 मई को स्टार्ट हुआ था और पहला मैच जो हुआ था ये इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। 2019 क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स द्वारा आयोजित किया गया जाएगा। यह 12वीं क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता होगी और 5वीं बार यह इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये भी जरूरी है जानना आप लोगों के लिए। तो ये आयोजित किया गया है इंग्लैंड और वेल्स में। इस बार विश्व कप राउंड रोबिन तकनीक से होगा, जिसमें सभी टीमें आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी। विश्व कप 2019 का आगाज 30 मई से हो चुका है, जबकि इसका फाइनल मैच 14 जुलाई 2019 को खेला जाएगा। पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजेता रहा। इंग्लैंड में यह 5वीं बार विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, ये पूछा गया था। तो देखिए, महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतली बाई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। यह भी पूछा जा सकता है कि इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने की थी। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की थी। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी पर चढ़ाया गया था। नाथुराम गोडसे के पहले आदर्श महात्मा गांधी थे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अमित शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू। भारत के उप कप्तान कौन है? तो भारत के उप कप्तान है रोहित शर्मा। वर्ल्ड कप 2019 में बांग्लादेश ने किस टीम को हराया था? तो वर्ल्ड कप 2019 में बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को हराया था। 2019 क्रिकेट विश्व कप इंग्लिश 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह 12वीं क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता होगी और 5वीं बार यह इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। इस बार विश्व कप राउंड रोबिन तकनीक से होगा, जिसमें सभी टीमें आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी। विश्व कप 2019 का आगाज 30 मई से हो चुका है, जबकि उसका फाइनल मैच 14 जुलाई 2019 को खेला जाएगा। पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजेता रहा। इंग्लैंड में ये 5वीं बार विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कान फिल्म फेस्टिवल ये फ्रांस में आयोजित किया गया। कान फिल्म महोत्सव फ्रांसीसी का प्रारंभ 1939 में हुआ। यह विश्व के सबसे सम्मानजनक फिल्म उत्सवों में से एक माना जाता है।
एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म अच्छे से रट लीजिए आप लोग। तो रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन था कि यूनिटी क्या है, तो यूनिटी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन था कि म्यांमार की करेंसी क्या है, तो म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्या। यदि पूछा जाए कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी है नॉय चोड़ा। अगला क्वेश्चन था कि रामविलास पासवान किस पार्टी से हैं, तो रामविलास पासवान ये लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। योग सूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो योग सूत्र ग्रंथ के रचयिता हैं पतंजलि। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भारत प्रांत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित आधुनिक उपकरणों वाली एक औद्योगिक इकाई है। इस औद्योगिक इकाई की स्थापना शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खनिज और हर्बल उत्पादों के निर्माण हेतु की गई है। अगला क्वेश्चन था कि आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपातकाल का प्रावधान ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन है जर्मनी के, तो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीन मेयर। यदि पूछा जाए कि जर्मनी की चांसलर कौन है, तो जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। मुद्रा क्या है जर्मनी की, तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो। एक क्वेश्चन था कि एक मोल में कितने ग्राम पानी होता है, तो एक मोल में 18 ग्राम पानी होता है। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो मानव वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में संबंधित अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो मानव शरीर से संबंधित अध्ययन एनाटॉमी शाखा में किया जाता है। यज्ञ अनुष्ठान कौन से वेद से लिए गए हैं, तो यज्ञ अनुष्ठान यजुर्वेद से लिए गए हैं। चलिए वेदों के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पहला है ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,555 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति है। अगला आ जाता है सामवेद। इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 1974 संगीत में मंत्र हैं, सॉरी 1975 संगीत में मंत्र हैं। अगला है यजुर्वेद। इसमें कार्य क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 3750 यज्ञात्मक मंत्र हैं। अगला है अथर्ववेद। इसमें गुण धर्म आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 7260 कविताएं मंत्री मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्मेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ब्रह्मेश्वर मंदिर जो बनवाया था ये इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच और शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। स्थान है इसका तंजौर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन था कि तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। यदि पूछा जाए कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब इर्दुगान। मुद्रा क्या है तुर्की की, तो मुद्रा टर्किस लीरा। अगला क्वेश्चन था कि मेट्रो बांध कहाँ और किस नदी पर है, तो मेट्रो बांध ये तमिलनाडु कावेरी नदी पर है। तो देखिए मेट्रो बांध ये तमिलनाडु पर है, और किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। अगला सबसे बड़े ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटे ग्रह की बात करते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो वो है बुध। सौरमंडल का पहला ग्रह है, यानी वह सूर्य से सबसे नजदीक है, यानी यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। अगला क्वेश्चन था कि लावणी नृत्य कहाँ की है, तो लावणी नृत्य ये महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि रानी की वाव किस राज्य में, तो रानी की वाव ये गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वीडी मिश्रा। राजधानी की बात करते हैं, तो राजधानी इसकी ईटानगर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। लंबाई की बात करते हैं, तो 2525 किलोमीटर। और सबसे छोटी नदी की बात करते हैं, ये क्वेश्चन इसमें कुछ वो लग रहा था, इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। अरावली नदी है, या जो कि राजस्थान में है, चेतना है,
लूनी नदी है। आपको तीन नदियों में से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तीन नदियों में से सबसे छोटी नदी कौन सी है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी का चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी का चेयरमैन है शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंग्रेजी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग संक्षेप में आईसीसी, विश्व में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रण तथा नियामक संस्था है। प्रतियोगिताओं तथा स्पर्धाओं के आयोजन के अलावा यह प्रतिवर्ष क्रिकेट में अपने क्षेत्र के सफलतम खिलाड़ियों तथा टीमों को पुरस्कार देती है। खिलाड़ियों तथा टीमों का प्रदर्शन क्रम रैंकिंग निकालता है और हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायर नियुक्त करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले एकजोशी कप्तान कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले एकजोशी कप्तान थे अजीत वाडेकर। अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल है वीवी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी।